दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। मेहनत को एक नशा बना लो, फिर ये नशा तुम्हें कामयाबी का दीदार करवाएगा। इंसान कामयाब तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं, वो दुश्मन है। जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। कमाल के होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और उदासी का अंदाजा लगा लेते हैं। अपनी पांच चीजें कभी किसी से शेयर ना करें। अपनी कामयाबी का राज। अगर आप अपनी कामयाबी का राज किसी को बताते हैं तो लोग भी यही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो वो आप पर इल्जाम लगाएंगे कि आपने इन्हें सही नहीं बताया। इसीलिए कभी भी अपनी कामयाबी का राज किसी को मत बताएं। नंबर दो, अपने मसाइल किसी से शेयर ना करें। अपने मसाइल को बांटने से हमें अपना बोझ हल्का और कम महसूस होता है, लेकिन इससे मसला हल होने की बजाय बढ़ जाता है। दर हकीकत 70% लोग आपके मसाइल सुनकर खुश होते हैं और 10% वाकई परवाह करते हैं। इसीलिए किसी को अपने मसाइल बताने से पहले 100 बार सोचें। नंबर 3, अपने ख्वाब किसी से शेयर ना करें। अगर आपने जिंदगी में अपने ख्वाब पहले ही तय कर लिए हैं तो सबसे बेहतर ये है कि आप इसे अपने तक ही महदूद रखें, क्योंकि इनको शेयर करने से आपके मकसद पर असर पड़ सकता है और आप इस पर उलझ सकते हैं। हमेशा याद रखें कि हमें दूसरों से एक जैसी राय हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी का नुक्ता नजर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। नंबर 4, आप कितना कमाते हैं कभी किसी से शेयर ना करें। आपकी आमदनी यकीनी तौर पर एक ऐसी चीज है जिसे दूसरों को वाकिफ नहीं होना चाहिए। नंबर 5, अपने खानदानी मसाइल किसी से शेयर ना करें। कोई भी खानदान ऐसा नहीं है जिसमें मसाइल ना हो। कुछ में बड़े मसाइल हैं तो कुछ में छोटे, लेकिन अजनबियों के साथ शेयर करने से वो मसाइल कभी हल नहीं होंगे। आपको इन मसाइल के बारे में अपने खानदान के अफराद से बात करनी चाहिए। इन मसाइल को दूसरों के साथ शेयर करने से इन मसाइल में इजाफा होता है। इसीलिए हमेशा ख्याल रखें कि घर की बात को घर में ही रहने दें।